हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो लास्ट हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, अफवाह वेग के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने जान लिया था कि चालक में कोई भी चालक हमारे पास हो, ठीक है, चालक में आप जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं लगाओगे, जब तक विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं लगाओगे या नहीं आरोपित करोगे, चालक में जब तक विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करोगे, तो जो नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या होता है? जीरो। ठीक है, यानी कोई धारा प्रवाह नहीं होता। और जैसे अगर विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, जैसे विद्युत क्षेत्र लगाओगे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश वाहक हैं, वो अपवाह वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। तो हमने पढ़ लिए धारा, अभी तक धारा घनत्व हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग भी हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट हमने जो फॉर्मूला निकाला था अपवाह वेग का, VD इज इक्वल टू, ठीक है, आपको ध्यान होगा, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ बार। क्लियर है? ये हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में फॉर्मूला निकाला था, अपवाह वेग VD। डी फॉर मतलब क्या हो गया? ड्रिफ्ट, ठीक है। यहां जो VD है वो क्या है? अपवाह वेग है, अपवाह वेग। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और बच्चों कैपिटल ई क्या है? आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? और जो एम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर? और टाउ बार क्या था? हाँ बिल्कुल, माध्य विश्रांति काल, टाउ बार क्या था? माध्य विश्रांति काल, ठीक है। तो ये बातें हमने पढ़ी कि जो अपवाह वेग है वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। बच्चों आपको पता है ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये क्या होता है? नियत होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻³⁻³¹ kg। टाउ बार एवरेज टाइम है, माध्य विश्रांति काल, ये भी क्या होता है? नियत होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो VD है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? E पर डिपेंड कर रहा है। VD किस पे डिपेंड कर रहा है? E पर डिपेंड कर रहा है। तो बिल्कुल इसी से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट है। तो आज का टॉपिक ये जो हमने पढ़ा लास्ट टाइम, उसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने थोड़ा रिव्यू उसको करा दिया। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? गतिशीलता। एक छोटी सी डेफिनेशन है गतिशीलता, ठीक है। अपवाह वेग हमने पढ़ा, अब गतिशीलता की चर्चा हम करेंगे। गतिशीलता इसे बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी, मोबाइल यानी गतिशील होना। गतिशीलता का क्या मतलब है? हमने देखा कि जो अपवाह वेग होता है VD, ठीक है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, VD इज इक्वल टू क्या था? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ बार, ठीक है। मैंने इसका परिमाण ले लिया, इसका मैंने परिमाण लिया, मॉडुलस लिया, सदिश राशि है, तो हम इसका परिमाण ले रहे हैं, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ बार। क्लियर है?
तो अब ये इसका संख्यात्मक मान वापस आएगा, वी डी इज इक्वल टू नेगेटिव, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी ई अपॉन एम इंटू टाउ बार। ठीक है, अब बच्चों क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, वी डी इज इक्वल टू, और जो कांस्टेंट है उनको मैं अलग रख रहा हूं। देखो ई कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का क्या है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टाउ बार कांस्टेंट है, माध्य विश्रांति काल एवरेज तो कांस्टेंट ही होता है, और ये एम क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हो गया कांस्टेंट, इसको मैंने अलग से रख लिया। अब मेरे पास केवल यहाँ क्या बचा, ई, क्या बचा केवल कैपिटल ई। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट वाला मान है कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों कांस्टेंट। ये जो नियतांक है इसी को हम क्या बोलते हैं गतिशीलता, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, क्या कह सकते हैं हम कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होता है वीडी, अपवाह वेग जो वीडी है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है समानुपाती होता है। ये तो कांस्टेंट हो गया, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत है, टाउ बार माध्य विश्रांति का नियत, माध्य तो नियत ही होता है, और एम क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये सब कॉन्स्टेंट आ गई, इसका मतलब क्या हुआ वी डी इज प्रपोर्शनल टू कैपिटल ई, यानी जो अपवहन वेग है, जो अपवाह वेग है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप क्षेत्र बढ़ाओगे, जितना ज्यादा क्षेत्र बढ़ाओगे उतना ज्यादा अपवहन वेग होगा, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र कम होगा तो अपवाह वेग भी क्या होगा कम होगा, तो वी डी समानुपाती ई। तो यहां जो कांस्टेंट है ये ब्रैकेट वाला मान, इसको हमने एक सिंबॉलिक कर दिया, सिंबल से शो कर दिया, तो वी डी इज इक्वल टू यहां आता है म्यू ई, और वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। ठीक है, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, तो यहां जो म्यू है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों गतिशीलता, इसी को हम क्या बोलते हैं गतिशीलता। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन लिख दूं कि वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, तो म्यू होता है गतिशीलता। तो एक डेफिनेशन यहां से क्या बनती है, देखो समीकरण एक से क्या बनी डेफिनेशन कि म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन, म्यू इज इक्वल टू क्या बन गया वी डी अपॉन ई। इसका मतलब गतिशीलता जो है वो किस किस का अनुपात है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, यानी अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ए, ये ध्यान रखें आप। तो इसका चलो हम यूनिट भी निकालते हैं, समझ रहे हो म्यू का यूनिट, म्यू का मात्रक। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है म्यू बराबर क्या हो गया वी डी अपॉन ई। ठीक है, वी डी वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और ई विद्युत क्षेत्र है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों क्या आ गई मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इसका मात्रक हो गया। तो म्यू का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, ये गतिशीलता का मात्रक है। इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं, विमा अगर हम निकालना चाहें, देखो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, विमा निकालें, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया एल टू, क्लियर है, वोल्ट, वोल्ट यानी विभव, विभव की विमा पता है आपको, नहीं पता तो आप निकाल सकते हो कि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो कार्य की विमा क्या हो गई
M1, L2, T-2, आवेश हो गया धारा गुणा समय, A1, T1। तो देखो विभव की विमा क्या आ जाएगी, यहां लिख लिया अपन M1 L2, अब देखो T1 ऊपर जाके -1, क्या हो जाएगा T-3 A-1, और ये सेकंड की विमा क्या हो गई T1। ठीक है, तो यहां से जो हमें विमा मिलती है गतिशीलता की, देखो L2 से तो L2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिली विमा हमें M1 ऊपर जाके M-1, L की कोई टर्म है ही नहीं, T-3 +1 -2 ऊपर जाके +2, A-1 ऊपर जाके A1, तो M-1 T2 A1, और लिखना चाहो तो L0 लिख सकते हैं, M-1 L0 T2 A1। तो ये क्या आ गई इसकी मात्रक और विमा। ठीक है, तो जो म्यू है गतिशीलता होती है, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। ठीक है, म्यू का मान वीडी और ई के अनुपात पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान रखें जो गतिशीलता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, कि आपने पदार्थ कौन सा लिया है, पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर भी निर्भर करता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है, E tau bar upon m, क्योंकि हमने इसकी जगह तो लिखा है म्यू, फिर भी ध्यान रखिए आप म्यू इज इक्वल टू E tau bar upon m। ठीक है, तो गतिशीलता हो गई हमारे पास पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, क्लियर है। विद्युत क्षेत्र जो हमने लिया कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और ये इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और विमा हो गई M-1 L0 T2 A1। ठीक है, तो ये था गतिशीलता। नेक्स्ट, अब जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जाम, हाँ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध हमें निकालना है, यानी आई और वी में क्या रिलेशन है इसको हमें समझना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आता है ये, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो देखो संबंध को निकालने के लिए मैं एक चालक की कल्पना कर रहा हूं कि एक चालक मेरे पास है, ये कोई बेलनाकार चालक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये कोई बेलनाकार चालक हमारे पास है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल ए। ठीक है, मतलब ये वाला जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है भाई, कैपिटल ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, इस चालक की जो लंबाई है वो मैं मान रहा हूं स्मॉल एल। ठीक है, यानी मैंने क्या माना, स्मॉल एल लंबाई एवं कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला बेलनाकार चालक। ठीक है भाई, अब बताओ इसमें धारा कितनी होगी, तो बिल्कुल सही जवाब कि धारा इसमें अभी नहीं होगी, धारा जीरो होगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई विद्युत क्षेत्र, कोई बैटरी, कोई वोल्टेज, कोई बाह्य स्रोत हमने कनेक्ट नहीं करा है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उनकी गति कैसी हो रही है, अनियमित गति हो रही है, यादृच्छिक गति हो रही है, तो यहां पर नेट प्रवाह क्या होगा, जीरो। तो धारा के लिए तो नेट प्रवाह चाहिए, धारा के लिए आवेश का नेट प्रवाह होना जरूरी है, तो उस नेट प्रवाह को कहां से मिलेगा, जब हम इस चालक को किसी बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो सपोज करो मैंने यहां बैटरी लगा दी, माइनस प्लस, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस,
तो इसका वोल्टेज कितना है, कैपिटल बी। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन की मैं कल्पना करूं, इलेक्ट्रॉन ये कहां जाएंगे, प्लस की ओर, कितने वेग से, अपवाह वेग vd से, जो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का है प्लस से माइनस की ओर, तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो अपवाह वेग है वो विद्युत क्षेत्र कैसा है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो हमें निकालना है धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो बच्चों धारा निकालने के लिए आपको पता है धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, देखो, क्योंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो सपोज करो I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। मैंने ये माना है कि डेल्टा T समय में डेल्टा Q आवेश प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी गणना करने के लिए मैं कुछ मान के चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं, माना, देखो हमें पता है कि आवेश का जो प्रवाह होगा या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, ये चालक है, चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं एक यूनिट की बात करूंगा यहां पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बच्चों इसे संख्या घनत्व या इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोल सकते हैं, ये मैंने मान लिया स्मॉल एन। ठीक है, एकांक आयतन में इस चालक के एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन। ठीक है, तो बताओ इसका टोटल आयतन कितना होगा, भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, ए, लंबाई कितनी, एल, तो चालक का कितना आयतन हो गया, ए एल, यानी इस चालक ने कितने इलेक्ट्रॉन कवर करें। देखो आते हैं, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। अतः ए एल आयतन में, भाई एकांक आयतन में स्मॉल एन है, अतः ए एल आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एन ए एल। ए एल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन ए एल। तो आपने पढ़ा है बच्चों आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहता है क्यू बराबर एन ई, एन होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहां से अपन आवेश निकाल सकते हैं कि कितने आवेश वाहक गुजरे, कितने आवेश ने गति करी, कितना आवेश फ्लो हुआ। तो ये संख्या हमारे पास आ गई कि एकांक आयतन में स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक का आयतन कितना है, ए एल, तो ए एल आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, एन ए एल। तो टोटल चार्ज कितना हुआ बताओ, जब संख्या आपके पास है इलेक्ट्रॉनों की तो किससे गुणा करोगे, बिल्कुल ई से। देखो इसलिए आवेश क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर एन ए एल ई, इक्वेशन नंबर टू, डेल्टा क्यू क्या हो गया, एन ए एल ई। एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए एल क्या है, आयतन, तो NAL क्या हो गया, कुल संख्या। तो इसको हमने किससे गुणा कर दिया, स्मॉल e से। क्लियर, अब बात है समय की, भाई हमें डेल्टा क्यू तो निकाल लिया, अब डेल्टा टी भी तो निकालना होगा। तो चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी L अपॉन डेल्टा टी, VD चाल से चल रहे हैं, कितनी दूरी, L, तो मैंने माना कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लग रहा है, डेल्टा टी। तो यहां से बच्चों डेल्टा टी बराबर कितना मिलेगा, L अपॉन VD, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है, तो डेल्टा क्यू आपके पास आ गया, डेल्टा टी आपके पास आ गया,
तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्या मिलेगा आपको। देखो समीकरण एक से I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है रखो एन ए एल ई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू एल अपॉन बी डी। वीडियो पर चला जाएगा। देखो बच्चों एल से एल कैंसिल हो गया यानी जो धारा की वैल्यू मुझे मिली I इज इक्वल टू क्या मिल गया एन ए ई वी डी इक्वेशन नंबर फोर। I is equal to क्या मिल गया N A E V D। तो ये होता है समीकरण नंबर चार किसको व्यक्त करती है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो I बराबर हो गया N A E V D। N क्या है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, स्मॉल E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और V D क्या है अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो संबंध हमारे पास आ गया I is equal to N A E V D, ठीक है। अब कई बार बच्चों यहां से ही आपसे दो सवाल और पूछ लेते हैं। देखो इक्वेशन फोर हमें मिल चुकी है, आपको पता है चूंकि धारा घनत्व क्या होता है J is equal to आई अपॉन धारा घनत्व क्या होता है J is equal to आई अपॉन ए परिमाण लेके चल रहा हूं। तो यहां आप आई की वैल्यू रखिए। देखो J is equal to आई की वैल्यू क्या है N A E V D अपॉन A, A से A कैंसिल। तो ये धारा घनत्व J और अपवहन वेग में संबंध हो गया J is equal to N E V D इक्वेशन नंबर फाइव। J is equal to क्या हो गया N E V D, ठीक है N E V D क्लियर है। और देखिए इक्वेशन फोर की बात करें, देखो आपको पता है धारा नियत रहती है, धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। तो अगर मान लो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग हो चालक का, अभी तो हमने सेम माना था। देखो यदि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो, समझ रहे हो, यानी कुछ इस तरह कि जैसे मान लो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है ना। सपोज करो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A1, इसका कितना है मान लो A2। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो तथा धारा नियत हो, धारा क्या हो नियत। तो अब देख रहे हैं समीकरण चार से हो, तो समीकरण चार से क्या दिख रहा है I इज इक्वल टू एन ए वी डी। यहां से बच्चों देखो जो नियत नियत है उसको मैं एक साथ लिख लूं। देखो ए नियत नहीं है, बी डी हमें नहीं पता, तो क्या आएगा ये आई अपॉन एन, और बी डी तो अपॉन वेग हो गया ए बी डी। अब आई नियत एन नियत ई नियत आई धारा है धारा नियत, एन संख्या गलत हो एकांक आयतन में कॉन्स्टेंट होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल ई हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि A VD इज इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट यानी नियत। तो कहने का मतलब जो अपवहन वेग होगा वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा हो गया विद्युत क्रमानुपाती हो गया। अपवहन वेग का जो मान है VD का जो मान है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या हो गया विद्युत क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर किसी चालक के भिन्न भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है तो अपवाह वेग भी क्या होगा अलग अलग होगा। और वो भी हमें पता लग रहा है कि भाई अगर A ज्यादा होगा तो VD घट जाएगा, और अगर जहां A कम होगा वहां VD क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां की बात करूं
ये ए वन और ए टू आपको दिख रहा है कि ए वन कम है किससे, ए टू से। मतलब ए वन वाली साइड में जो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है वी डी वन और ए टू वाली साइड में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है वी डी टू। तो बताओ कहां ज्यादा होगा अपवाह वेग, जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है। तो ए वन कम है तो यहां पर यानी वी डी वन इस ग्रेटर देन क्या होगा वी डी टू। आ रही बात समझ में, हमने जो डेरिवेशन करा है वो समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए करा। तो हमने कंडीशन ली कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल असमान हो तो बच्चों आप समझ जाना कि जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा वहां वेग ज्यादा होगा और जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वेग क्या होगा कम। क्लियर? अब देखो इसी में अभी हमने धारा और अपवहन वेग की बात करी। इसी में आपसे पूछ सकते हैं धारा और विभवांतर में संबंध, सॉरी अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। धारा और अपवहन वेग की बात कर ली हमने, तो इसी में आपसे पूछ सकते हैं अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।